166 लोगों की जान गई, जिसमें से 120 महिला और छोटे बच्चे थे। शहादत मिलेगी इन्हें, ये साले अकल के कच्चे थे। क्या मिला आपको इतना धुआं करके, क्या मिला आपको इतना आतंक भर के, क्या वाहवाही मिली पूरी दुनिया में आपको, आपने साबित कर दिया कि आप आस्तीन के सांप हो। 6 की टोली में आए थे पर बचा था सिर्फ एक, कहता वो बुद्धिहीन खुदा का काम कर रहा था मैं, वो काम था बड़ा नेक। कसाब बाबा को जाना था जन्नत पर पहुंच गए देखो वो जेल, उनके आकाओं ने खेला उनके साथ देखो बड़ा तगड़ा वाला खेल। तुकाराम जी सलाम है आपको, आपने गोली भी खाया, कसाब को पकड़वाया, आखिरी सांस तक देश की सेवा में जी जान लगाया। हेमंत जी आप भी खूब लड़े, आपके खौफ से कैमायन एल्ब्लेस हॉस्पिटल से ये नीच भाग खड़े हुए। हेमंत जी के साथ थे विजय सलाशकर और अशोक कामटे, इनकी ये जोड़ी को देख वो नीच लगे थे कांपने। हर बार ये नीच करते पीछे से वार, हैवानियत का दिया परिचय कर बच्चों को गोली से तार तार, ये सब देख इनके आकाओं को बड़ा गर्व हुआ होगा। कसाब की फांसी पे और बाकियों के मौत पे क्या इन्हें थोड़ा सा भी दर्द हुआ होगा? बिल्कुल नहीं। 26/11 का दर्द हमारे जहन में हमेशा जिंदा रहेगा, पर कोई बात नहीं, इसका जवाब आपको बड़ा जल्द मिलेगा। जवाब से याद आया, क्या भूल गए आप सब सर्जिकल स्ट्राइक को, हमारे बीच हुए इंडो पाक फाइट्स को, घर से निकले जाने को जन्नत, इसलिए भेजा गया था इन्हें भारत, कहा उनसे खतरे में है कौम, बचाना होगा इस्लाम को, इसलिए इस नेक काम के लिए चुना जाता है आपको। डैम्स बनाने के पैसे नहीं और ये आतंकवादी बनाएंगे, कर्ज में डूबा है देश और ये देश के आतंकवादी चलाएंगे। शांति अमन ये शब्द आपके लिए मिट चुका है, आपका आचरण दुनिया को अब दिख चुका है, हमारी बात तो आप ना ही करे, इस्लाम के नाम पे युवाओं के दिमाग में गंदगी तो ना ही भरे, हम पर आती आपदा तो हम सब एक साथ खड़े होते हैं, और आप सब कभी मिलिट्री पावर तो कभी डेमोक्रेसी, इसी में फंसे रहते हैं। साहब जिनके घर खुद कांच के होते हैं वो औरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते हैं। हे हमारे शहीद जवान, आपको पूरा देश करता प्रणाम, हमें आप पर नाज है इसलिए तो हमारा भारत पूरे विश्व में खास है। आपकी कुर्बानी देश प्रेम का उदाहरण है, किसी भी आपदा के आप सबसे बड़े निवारण हैं। हमारी सुकून से भरी नींद का कारण आप है, हमारे चेहरे पे खुशी का कारण आप है, इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैंने कभी देखा नहीं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, पर मैं आज लाखों की तादाद में देख सकता हूँ। आपकी वजह से मैं चैन की सांस ले सकता हूँ, आपकी वजह से मैं चैन की सांस ले सकता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, पीस, बी हैप्पी।